Good job. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हाँ, महाबलेश्वर का आप सुबह का नज़ारा देखिए, फुल बारिश और फुल फॉग के साथ। कैसा लग रहा है बारिश में? मज़ो आ गया। सब जने अब गाड़ी में बैठ चुके हैं और सबसे ज़्यादा टाइम हमको लगा है लगेज को जमाने के लिए, क्योंकि सब लगेज अलग अलग जमाते हैं तो कैसे क्या सेट हो जाता पता ही नहीं चलता। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही है, क्लाउड्स भी नीचे ही है। अब क्या पता दिखेगा नहीं दिखेगा हमको, आंखों में नहीं आ जाए भाई ये। और सब जने यहाँ पर छाता ले लेके अपनी निकल चुके हैं। हिया ठंड कैसी लग रही है? बहुत ज़्यादा, हिया स्वेटर है इसलिए टेंशन नहीं है। यहाँ पर पूरा नीचे जंगल है, सब जने चले जा रहे हैं। यहाँ पापा फोटो खिंचवा रहे हैं, हिया भी फोटो खिंचा रही है। यहाँ पर फैमिली शूट चल रहा है भाई। मम्मी और ये तो चलते चलते थक गए बिल्कुल, और हम भी थक गए क्योंकि हमारी गाड़ी है जो थोड़ी बड़ी है और अंदर नहीं आ सकती है, सो इसीलिए। और छाता भी थोड़ी सी कम पड़ रही है क्योंकि बच्चे वगैरह सब है ना उसके। ओ गाड़ी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, वो गाड़ी आ गई। साइड में आ जा, गाड़ी आ चुकी है फाइनली। फाइनली क्या, आने नहीं दे रहा था जैसे? हाँ, जैसे जैसे आई है, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद शायद गाड़ी आने दी है। क्यों चलते हुए जाना पड़ेगा? तो गाड़ी तो आई है। नहीं सब बैठ जाते, इतनी देर में पूरे फिट पे नहीं है। बात ही बोल ही नहीं थी सबकी, गाड़ी टूट टूट है। हां आने कैसे दी? अरे जैसे तैसे जेक चक लगाए हैं, बाकी तो साहब मैं जेक चक से के पूरे भीग चुके, पूरे थोड़े बहुत सूखे हुए, बाकी पूरे भीग चुके। इधर खड़े ही थे। तेरे को आज आज इसको इसको आज फोटो ले। हां नहीं नहीं टाइम सर नहीं ले था पड़ी गई। अरे यू यू गाय, अरे इसको नाखून पर। हेलो फिर जा ए दवाई ले बाबा। वो चेकिंग कर दो तू, ये छाता एक एक मैं वो कहीं है नहीं है तो वो बाबू रहेगी खास। हां दे दो। बहुत ज्यादा मजा आ गया यहां पर भक्ति दिख के सेक रहे, ऐसे सेक करने का है बस। ऐसे पास ऐसे रखना, चुप लगा लो। हां शिवा जा, शिवा
एक को हुआ नहीं जिया जी ओ बाप रे जोरदार भी है वही तो वापस जाकर देखो ना आप तो बेहोश हो जाओगे क्लाउड हट रहे हैं अब हट रहे धीरे धीरे ओ जोरदार क्या गजब का व्यू है बहुत जोरदार व्यू पर क्लाउड को बाप रे छाता तो नहीं दी अच्छा ये ही है एलिफेंट वैली हाँ अच्छा हाथी की सूंड है हाथी की सूंड वो लेकिन नीचे से दिखती है नीचे से दिखती है आवाज वहां से आती है अब एग्जिट लेना है ठीक है सब जने बीत चुके हैं जबरदस्त वाले और सब जनों को ये टेंशन है कपड़े का चेंज करें बारिश भी नहीं महाबलेश्वर से उतरने के बाद हम यहाँ पर यहाँ टी स्टॉल पे रुके थे सब जनों ने यहाँ पर चाय पी है और बहुत ही अच्छी चाय थी अब हम जा रहे हैं मुंबई मुंबई आज वहीं पर स्टे करेंगे और फिर शॉप का भी थोड़ा सा काम है वहाँ से करके फिर घर जाएंगे अब हम सीधा निकल रहे हैं मुंबई के लिए और महाबलेश्वर का ट्रिप रहा बहुत अच्छा पर बारिश ने थोड़ा सा मौसम बिगाड़ा थोड़ा पर हमने नहीं बिगड़ने दिया हमने तो भी इंजॉय किया और बहुत मज़ा आया होगा आपको भी अब सीधा मुंबई जा रहे हैं हम क्या करें तो अभी हम पुणे के आसपास चल रहे हैं और आज रात को स्टे हम मुंबई करेंगे और पुणे के आसपास हम लंच डिनर भी हमारा वहीं पर करेंगे क्योंकि खाना सबका बाकी है सुबह का किसी ने खाया नहीं है सिर्फ जहाँ हम रुके थे उस कॉटेज में ही हमने खाया था वो भी आपने देखा ही जो उन्होंने क्या बना के खिलाया था डोसा बहुत टेस्टी थे पर उस कॉटेज का नाम क्या था वो तो पता ही नहीं है पापा क्या नाम था वो अपन रुके थे ना महाबलेश्वर में नहीं अपन जहाँ रुके थे वो पता ही नहीं है रुक के आ गए वहाँ पे चिकन मस्त पीछे सोए और सब चले थक गए अभी हम फाइनली हमारा बॉम्बे जाते जाते ब्रेक हो चुका है और अभी टाइम हो रहा है 11 बज रही है और हम यहाँ पर खाना खाने के लिए रुके हैं बहुत ही अच्छी होटल दिख रही है इंटरेस्टिंग सी बाहर जाके दिखाती हूँ आपको सब जने खाने खाने के लिए उतरे और हालत है सबकी जबरदस्त की हो गई है सब जने थके हारे गजब के
रेस्टोरेंट में बैठे हैं और रेस्टोरेंट में सब जिन्होंने ऑर्डर कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, तो हम जितने साथ में बैठे क्योंकि अब सब लोग एक जैसा खाना है, उधर वालों को अलग खाना है, तो अलग अलग वाले अलग बैठे हुए। चिको आप अलग ही बैठे हो, आपके पास आ जाओ। खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था और इतनी लेट नाइट होटल मिली पर अच्छी मिली और मज़ा आ गया खाने में, सबको मज़ा आ गया और होटल का इंटीरियर भी मेरे को मस्त लगा, अंदर अच्छा लगा ना, है ना, खाना तो बहुत टेस्टी था, मतलब लेट खाना मिला नहीं, बहुत अच्छा था क्योंकि मेरे को बुखार आ गया, बुखार आ गया। अभी तो बारिश हो रही है अभी और यहाँ पे आके तो ठंड थोड़ी कम हो गई है, बाकी महाबलेश्वर तक क्या ठंड लग रही थी भाई। बात जाना फाइनली हमको हमारे डिनर के बाद होटल मिल गई है, 2 से 3 घंटे होटल, रात के 3 बजे 3 घंटे होटल ढूंढने के बाद हमको होटल मिली है। सब जने क्या थक गए जोरदार वाले। चार बज चुकी है सबको सेट होते होते और हम सब जने यहाँ पर सो रहे हैं, यहीं पर कर देती हूँ मैं ब्लॉग का एंड। आज बहुत मज़ा आया, बहुत बारिश हुई और यहाँ पर साथ ही साथ चिकू बोले 4 बजे तो अभी यहाँ पर ब्लॉग एडिट करने बैठ चुके हैं, तो अब ये ब्लॉग जाएगा एडिट होने के लिए। अगर आज का ब्लॉग देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से ब्लॉग में। ओके बाय।